इस वक्त हम 974 स्टेडियम में, जहाँ पर ब्राज़ील और स्विट्जरलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ जर्नलिस्ट का। ये जो सेब हम खा रहे हैं, ये सेब की कीमत 7 रियाल है। 7 रियाल माने आप समझ सकते हैं कि 175 रुपये करीब इसकी कीमत है। एक किले की कीमत 7 रियाल है, 175 रुपये। तो ये स्टेडियम आप देखिए, इसके बाहर ये मीडिया सेंटर है, यहाँ पे ये पूरा खचाखच भरा हुआ है। ब्राज़ील और स्विट्जरलैंड का मैच, एक तरफ शाकिरी है तो दूसरी तरफ नेमर है, तो खचाखच स्टेडियम भी भरा रहेगा। लोग देखेंगे कि शाकिरी गोल करते हैं या नेमर। आप देख सकते हैं स्टेडियम, ये ग्रीन एप्पल, क्योंकि वहाँ पे कई तरह के आइटम है, लेकिन वो आइटम अगर देखा जाए तो हम लोगों को मुगलाई पसंद है। देख रहे हैं आप यहाँ पे एक हर जर्नलिस्ट उठकर कुछ खा रहा है। खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल खाने यहाँ पर मिल रहे हैं वो या तो उतने टेस्टी नहीं है, हम लोग उससे ज़्यादातर हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को चाहिए बिरयानी या कबाब, सूता कबाब। हम लोग हिंदुस्तान के हैं, और लेकिन ये एप्पल जो है, फल जो है, ये यूनिवर्सल होता है, कोई भी खा सकता है। ये स्टेडियम आप देख रहे हैं, स्टेडियम के बाहर ये मीडिया सेंटर है। अभी मैच शुरू होने में देरी है, हर आदमी थोड़ा बहुत काम कर ले रहा है। अभी हम लोग वहाँ से आए हैं, वो जो स्टेडियम था वहाँ पे मैच था कैमरून और सर्बिया का, वो मैच 3-3 से ड्रॉ हुआ। तो ब्राज़ील भी उसी ग्रुप में है, ब्राज़ील के लिए अब मौका है नॉकआउट में जाने का, लेकिन उससे पहले स्विट्जरलैंड भी कमज़ोर टीम नहीं है। तो आज मुकाबला होगा नेमर और शाकिरी के बीच, देखें किसकी जीत होती है। ये स्टेडियम देख लीजिए, यहाँ पे ये खाने की भीड़ लाइन में लोग लगे हुए हैं। मैच चल रहा है कोरिया खाना का, 2 गोल से आगे है कोरिया की टीम, ये आप देख सकते हैं। ये लाइन लगी हुई है यहाँ पर, ये लाइन एक्टिव आर्मी और ग्रीन एक्टिव नहीं थी। এখানে তো অন্য খাওয়া খাওয়া যায় না, কি বলছেন? এখানকার খাওয়া দাওয়া অনেক দাম, ভীষণ দাম। আমরা ব্রাজিলও বিশ্বকাপ করছি, রাশিয়াতেও করছি, আপনারাও করছেন, তারপর সেখানকার তো এখানে দাম অনেক বেশি। বিশ্বকাপকে ফায়দা করে তারা অতিরিক্ত মুনাফা করে, আর আমরা তো বাঙালি, যেহেতু আমাদের একটু ভাত না হলে তো হয় না, তো কোনো রকমে খেয়ে आप देख रहे हैं। ये बांग्लादेश के जर्नलिस्ट हैं, इनसे ब्राज़ील में मेरी मुलाकात हुई थी। तो दाम जो भी हो, लेकिन टेस्ट होना चाहिए। ये टेबल्स हैं यहाँ पे, फीफा वर्ल्ड कप की बाकी रहता है। दूसरे स्टेडियम में और हम ये ग्रीन एप्पल खाने के बाद मैदान में जाएंगे, 974 स्टेडियम। कल सबसे बड़ा गेम है ईरान और यूएसए का। आपको याद होगा ईरान ने यूएसए को हराया था, अमेरिका को। तो तब के लिए, तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। अखबार मसीद डिजिटल की ओर से मैं जफर अली खान दोहा कतर से।